पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ व पूर्व एमएलसी डॉक्टर वाईडी सिंह का 15 जून शनिवार को भोर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह 73 वर्ष के थे। डॉक्टर सिंह के निधन की खबर पर गोरखपुर के दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उनके बेतियाहाता स्थित मकान पर पहुंचे और उनके परिजनों से वार्ता किया और परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बताया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन के अलावा स्वर्गीय डॉक्टर वाईडी सिंह की धर्मपत्नी गीता दत्त, पुत्र श्रेवांग शेखर, बहू सरंगना शेखर, पुत्री पल्लवी सिंह, नाती ईशा, कृष्णा, नामिश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय डॉक्टर वाईडी सिंह की धर्मपत्नी गीता दत्त ने कहा, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। मेरा इस गोरखनाथ मंदिर से लगभग 3 पीढ़ियों से संबंध बना हुआ है। बड़े महाराज जी, दिग्विजय नाथ जी महाराज जी, फिर रवीन्द्रनाथ जी महाराज जी, और अब आप हमारे संरक्षक हैं। आदित्यनाथ जी महाराज हमारे संरक्षक हैं, हमारे परिवार के अपने सदस्य हैं। उन्होंने हर संभव मदद करने की कोशिश की है। जैसा कि डॉक्टर साहब का एक विचार होता था कि हम समाज की सेवा कितने अधिक से अधिक रूप में पहुंचा सकते हैं, इसको देखते हुए उन्होंने बस्ती में जो भी विकास कार्य हो सकते हैं उसका उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वहाँ होगा। इसके अलावा जिस भी किसी तरह का है, मैं उनसे शब्दों का तो उनके पास अभाव नहीं है। वो हमारे परम पूज्य हैं, हमारे आदरणीय होने के साथ साथ हमको वो हमारे संरक्षक अब लगते हैं। अब डॉक्टर साहब इस संसार में अपना शरीर तो छोड़ गए, लेकिन जो यश और नाम उन्होंने, मान सम्मान जो कमाया है,
उसी को देखते हुए महाराज जी का असीम प्रेम उनको मिला है, और वो असीम प्रेम हम लोगों का बहुत बड़ा संबल है। महाराज जी का जो स्नेह उनके प्रति है वो हमारा बहुत बड़ा संबल है, और हमें विश्वास है महाराज जी हमारे साथ हैं। उनके जो अधूरे कार्य हैं, जो डॉक्टर साहब के अधूरे कार्य हैं, उन्होंने जो समाज को और सशक्त बनाने के लिए और ख़ास तौर पे दलित और गरीबों के लिए, जो जिस ग्राम को वो रहने वाले थे, छपिया ग्राम को सशक्त बनाने के लिए, जो गरीबों का गांव है, दलितों का गांव है, मौर्य और ओबीसी एसटी एससी उस गांव के अधिकता से संबंध नहीं है, और उनको सुरक्षा देने का, उनको वही विश्वास देने का जो डॉक्टर साहब उनको विश्वास दिया करते थे, वही विश्वास देने का महाराज जी ने आश्वासन दिया है। मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूँ। मैं